गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, क्लास सेवन वालों के लिए आज हम इस 2.6 में आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन, इसके पहले के सारे क्वेश्चन लग गए, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट बॉक्स और अगर नहीं आइए। क्वेश्चन नंबर, आज हम डिवाइड करना सीखे, क्या सीखेंगे माइनस जी? देखिए इसको कैसे डिवाइड, इतना बाई डिवाइड, फिर इसको ऊपर इसको नीचे डिवाइड करिए। आप डिवीजन करना सीख चुके हैं। अगर आप डिवीजन में एक सवाल बता देता हूँ कैसे करते हैं, आप ऐसे 240.45 करके कर सकते हैं, ठीक है। फिर 10 का टेबल पर ये पहले दो अंक है, दो अंक लेंगे, 21 से ज़्यादा ना जाए, कितना, दो बार, दो इंटू जाए 21 कट गया। अब ये 4 उतारेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार 21 जाए 10, ठीक है, 4 कट गया। अब इस दशमलव को यहाँ उतार देंगे, अब अगला डिजिट उतारेंगे 4, 10 1 जाए 10, 10 4 जाए 40, इस तरह से। मतलब जैसे आप डिवीज़न करते हैं, डिवाइड करना सीख चुके हैं आप डेसिमल का, बस वैसे ही, तो वैसे करेंगे और 21.44 आ गया। बस इसी तरह बी पार्ट भी सेम टू सेम इसी तरह है, डिवाइड करेंगे 0.0 आप करना सीख, ठीक है। आई क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अनटिल द रिमाइंडर, आप तब तक डिवाइड कर जब तक रिमाइंडर 0 ना, तो 2.15, 3.1 से 4.4 आप डिवाइड करना सीख चुके हैं। तो जैसे एक सवाल मैं बताता हूँ कैसे करें, ध्यान से करते, 3.1, ठीक है, एक अंक, एक अंक इधर, एक अंक इधर, एक अंक नहीं जाएगा 0, फिर ये दशमलव यहाँ बढ़ाएंगे, अब ये 31, 47 जा 28, 3 कट गया, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि एक बार दशमलव लग गया तब एक 0 बढ़ा, एक एक 0 बढ़ाए भाग, फिर 4 7 जा 28, फिर 5 बचा, अब फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 4 5 जा 20, ठीक है, तो आ गया। अब देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, हाँ, तो तब तक इस तरह से डिवीजन करना है जब तक रिमाइंडर 0.007, बस इसी तरह ए पार्ट हो गया, इसी तरह बी पार्ट भी। आई क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, फाइंड द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर में देखिए इससे डिवाइड करना है, तो देखिए नीचे डेसिमल नहीं रहना, इसमें एक सवाल अच्छे समझिए, इसमें बस ध्यान देना, हमारे नीचे डेसिमल नहीं रहना चाहिए, तो ऊपर नीचे हम दशमलव के बाद अगर दो डिजिट है तो 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, दशमलव के बाद एक डिजिट है 10 से ऊपर नीचे करेंगे, तीन डिजिट है तो एक लगा के 3 0 से ऊपर नीचे मल्टी, ऐसा इसलिए करेंगे कि नीचे वाला डेसिमल ना रहे। तो देखिए 100 से करें, दशमलव के बाद नीचे दो डिजिट, नीचे वाले को ध्यान में रखें, ऊपर वाले को नहीं, तो करेंगे तो ये दशमलव हट गया 4 हो गया, ये ऊपर भी हट गया 300, अब भाग दीजिए, अब भाग देना आप जानते हैं, इसी तरह बी पार्ट भी इसी तरह। अब देखिए दशमलव के नीचे, दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें दो अंक, लेकिन दशमलव के बाद एक, तो 10 से करेंगे क्योंकि नीचे को ध्यान में रखेंगे ऊपर को नहीं, तो ऊपर तो एक अंक पे रहेगा 12.5, उससे नहीं मतलब, नीचे 25, और आप डेसिमल, और आप डिवीजन करना सीख चुके हैं कि कैसे डेसिमल में डिवीजन करते हैं, तो इसका आंसर आएगा 0.5। आप अगर न समझ में तो रफ पिक करके कर सकते, ओके मैम। तो जितना क्वेश्चन मैंने करा दिया इसे फिर पे सॉल्व कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट पूछ और गणित विशुअल में, और जिन बच्चों के पास बुक है वो बाकी पार्ट होमवर्क बुक से लगाएंगे, बट जिनके पास बुक नहीं उन्हें वीडियो के माध्यम से होमवर्क दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ऐड करके क्वेश्चन, ओके बड़े से। तो लीजिए एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट हो गया, मैंने ए बी बना सी डी ई एफ होमवर्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन टू का ए बी करें, बाकी सी डी ई एफ होमवर्क कर लीजिएगा, थर्ड का ए बी बता दें, इसे सी डी ई एफ कर लीजिए, ओके बड़े से। और कोई भी डाउट हुआ तो मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट करके, और अगर नहीं तो विशुअल में, और एडवांस होमवर्क दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 6 आगे लगाएगा लगाएगा, इसमें भी डिवीजन करने वर्ड प्रॉब्लम करिएगा, करने आएगा तो ठीक है, नहीं है तो कल, नहीं तो जब हम नेक्स्ट टाइम जब मिले आप स्टार्ट करें, ओके मैं। और जिन बच्चों के पास बुक है वो बाकी पार्ट क्वेश्चन बुक से लगाएंगे, बट जिनके पास बुक अभी तक अवेलेबल नहीं है मैंने वीडियो के माध्यम से होमवर्क दे दूँ, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन राइट करके क्वेश्चन सॉल्व, ओके मैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो, वंस अगेन जय।